मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ससुर और बहू के बीच में नाजायज रिश्ते ने आखिरकार बेटे को मौत के घाट उतार दिया और मामला ऐसा रच डाला कि मानो आत्महत्या लगी। दरअसल मृतक विक्रम की पत्नी पूजा का नाजायज रिश्ता अपने ही 64 साल के ससुर बलवंत से था। ये पूरा मामला अलवर जिले के बहरोड़ का है। हर रोज की तरह रात में खाना खाने के बाद विक्रम और उसकी बीवी पूजा अपने कमरे में सोने के लिए चले गए, मगर देर रात में ससुर ने पूजा से शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसे अपने कमरे में बुला लिया। थोड़ी देर बाद विक्रम की भी नींद खुल जाती है और वो अपनी बीवी पूजा को कमरे में ना पाकर ढूंढने लगता है, मगर तभी बाहर के कमरे में जब वो देखता है तो उसकी पत्नी पूजा और ससुर बलवंत आपत्तिजनक हालत में मिलते हैं और इसी वजह से बहू और ससुर ने विक्रम को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया और मौका मिलते ही उसे मार डाला। मगर दोनों ने जिस तरह से ये पूरा प्लान रचा और आनन फानन में अंतिम संस्कार की तैयारी भी करने लगे, मगर तभी किसी रिश्तेदार को विक्रम की मौत पर शक हुआ और इसकी जानकारी पुलिस को दे दी। पुलिस भी मौके पर पहुंची और विक्रम की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। रिपोर्ट में गला घोंट कर हत्या और सर में चोट लगने की बात सामने आई, जिसके बाद विक्रम की मौत हत्या से होने की बात सामने आने लगी। मगर पुलिस ने जब ससुर और बहू ये दोनों से कड़ाई से पूछताछ करना शुरू किया तो दोनों ने ही अपना जुर्म कबूल कर लिया और इसी तरह से ससुर और बहू के नाजायज रिश्ते में आखिरकार विक्रम की जान चली गई और अब ये दोनों सलाखों के पीछे पहुंच गए। एक विक्रम सिंह नाम के व्यापारी की हत्या हुई थी जो ब्लाइंड मर्डर था, जिसके ऊपर हमारे पास रिपोर्ट ये मिली थी कि वो अज्ञात व्यक्ति द्वारा इसके सिर में चोट मार के इसकी मृत्यु कारित की गई है, जिसपे SP साहब IG साहब के निर्देशन में स्पेशल टीम गठित की गई। सनसनीखेज मर्डर है, कौन कर सकता है। इसके बाद में मृतक के पिता जसवंत बलवंत यादव और उसकी पुत्र वधु मृतक की धर्मपत्नी, इनसे गहन पूछताछ की। उस पूछताछ में SP साहब ने मेरे को भी रात्रि को पूछताछ के लिए भेजा था, क्योंकि शक की सुई इन्हीं लोगों पे चल रही थी क्योंकि घर के अंदर और कोई नहीं थे। रात को जब इनसे सख्ताई से पूछताछ की और तकनीकी साधनों से आप प्रयोग किया तो मृतक की पत्नी और उसका ससुर इस रात को ज़्यादा समय तक उगला नहीं सके और उन्होंने इसकी स्वीकृति की कि हमारे द्वारा ये किया गया।